नमस्कार, आप देख रहे हैं सातरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। इटावा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वेदपुरा थाना इलाके में महुला गांव के पास एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी, जहां लगभग 25 फीट ऊपर से मालगाड़ी के डब्बे नीचे गिरे और अचानक हुए इस हादसे के पास में ही खेत पर बकरी चरा रहे एक 10 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 40 से अधिक बकरियों के भी मलबे दब होने की आशंका है। फिलहाल रेलवे विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है जी जी इसमें करीब 40-45 करीब डब्बे इसके पलट गए हैं। जो राजस्थान की किसी किस्म से आ रही थी वो जा रही थी। हादसा के द्वारा मालूम पड़ा कि इन्होंने टूला पर ही चार्ज दिया है, टूलना को तक जाना था जी जी। जैसा कि उनसे वार्ता हुई तो बता रहे थे कि एकदम डिसबैलेंस गाड़ी हुई और एकदम धुना हो, काफी डब्बे पलट गए। अच्छा, यहाँ कैजुअल्टी हुई, कुछ बच्चे या कुछ लोग भी दबे हुए इसके? हाँ, 3 लोगों को हमारी एम्बुलेंस लेके जिला अस्पताल गई हुई है जी जी। और कप्तान साहब के द्वारा बताया गया कि ये किसी कैजुअल्टी हुई है जी जी, अभी उसको देख के कंफर्म कर। कितने लोग और फंसे हुए हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कोई और हो, क्योंकि इस गाड़ी में माल होता है जी, गिट्टी भरी हुई थी, आगे दो पायलट होते, पीछे एक गार्ड हमारे होता है। केवल 3 लोग थे गाड़ी में, तो 3 लोग सुरक्षित हैं। गार्ड साहब के थोड़े से शोल्डर में चोट है, उनको अभी दवा दिलवा रहे हैं। बैतपुरा के महुला में DFC कॉरिडोर रेलवे लाइन पर दिल्ली से कानपुर जा रही मालगाड़ी जो है महुला में एक्सीडेंट हो गई है। इसमें रेलवे ट्रैक के पास कुछ बच्चे, कुछ जानवर जो चल रहे थे, जो उसके नीचे दब गए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। 3 लोगों को जो है एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैंने यादव साधना न्यूज। और चलिए ज्यादा जानकारी के संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, बताया मालगाड़ी के 44 से ज्यादा डिब्बे पलट गए हैं, यह हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स? दिल्ली से कानपुर जो मालगाड़ी जा रही थी, DFC का जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके माध्यम से जा रही थी, अचानक किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो रेलवे के गाड़ी के डब्बे हैं, 44 डब्बे डिरेल हो गए हैं। बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे विभाग के आला अधिकारी मौके पर है। SSP DM ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। जो वहां पर जानवर चढ़ाए थे, स्थानीय 3 लोग हैं जो उसकी जो इस गाड़ी के पट में दब गए थे, उससे घायल हो गए थे। फिलहाल CMO ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। एक की कैजुअलिटी की जो सार्वजनिक जानकारी CMO ने बताया है, वहीं 2 लोग हैं, उनका उपचार जारी है। फिलहाल रेलवे विभाग के और तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर है, मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नहीं, कब यह हादसा हुआ है, समय क्या था? यह हादसा तकरीबन 5:30-6 बजे के बीच का रहा होगा। उसके बाद जब स्थानीय प्रशासन को सूचना लगी तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। रेल विभाग के 40 डब्बे हैं वो डिरेल हो गए हैं। इंजन में जो ड्राइवर मौजूद थे उनको भी शोल्डर में थोड़ी सी चोट आई है, लेकिन और भी कोई, चूंकि मालगाड़ी थी इसमें माल भरकर जा रहा था, वैसी गाड़ी नहीं थी, तो ज्यादा लोगों को दुर्घटना इसमें चोट नहीं आ पाई है जी। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मालगाड़ी के 44 से अधिक डब्बे पलट गए हैं और मौके पर रेस्क्यू जारी है। 1 महीने में दूसरी बार ये हादसा हुआ है। अब ब्रिटेन में आ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।